हम हजार गलतियों को एक शुमार कर रहे हैं, मगर पीर भाई ये ना सोचिएगा कि हमने ये सब जानबूझकर किया। हमने खैर की राह हर हर कदम पर अपनाना चाहिए, मगर शर तक जा पहुंचे। जाहिदा खातून परेशान हैं बहुत। आपकी तहकीकात पर कोई एतराज नहीं, फर्ज करें उन्होंने अगर ऐसा किया भी है तो बुरी नियत से हरगिज नहीं किया होगा। मैं जानती हूं अपनी बहन को, अगर आप सरदार से बात कर लें। आपकी गैर मौजूदगी में गुनगोरा अफंदी ने हमसे बहुत काम कराया पीर भाई। और क्या करता वो पीर भाई, गुनगोर अफंदी की फर्ज शनासी का जिन्हें अंदाजा नहीं है उन्हें तो थकना ही था। बाजार में अफरा तफरी फैली हुई है जनाब, किसी भी वक्त हंगामे शुरू हो जाएंगे। एक एक दुकान पर जाकर इत्तला दो, मुबारक जुमे की रात हम मुशावरती इजलास रखेंगे। सरदार के सिपाही हर तरफ फैले हुए हैं, कहीं खबरदार ना हो जाए। हमारे पास छुपाने को है ही क्या हाजिरी, महसूल दर महसूल लगाने वाले जानते हैं कि जल्द या बदेर अवाम जरूर बगावत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख, क्या बात है शेख, आज आपने हमें शर्फ बख्शा, खुश आमदीद, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। शुक्रिया दोस्त, हमारे लिए बाइस शर्फ है यहाँ आना। बैठिए। इस्माइल आपको भी खुश आमदीद। हम एक दरखास्त लेकर आए हैं मसूद दोस्त। हुक्म कीजिए शेख मोहतरम। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जैसा कि हमारे फ़कीर खाने में सुबह होते ही तमाम लोग अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं, यही वजह है कि इस्माइल अफंदी खुद को तन्हा महसूस करते हैं, बेजार हो जाते हैं। यूनुस आगा, अगर हवेली में दानिशमंद मुकर्रर ना होते तो ऐसा हरगिज ना होता। हम क्या कर सकते हैं शेख मोहतरम। इस्माइल अफंदी को बड़े बाजार का दौरा करवा लीजिए, इन्हें जो भी हुनर पसंद आए ये काम शुरू कर देंगे। मगर शेख मोहतरम, इस सहमत की क्या जरूरत है, सुबह के वक्त सारे हुनरमंद जमा होते हैं मजलिस के लिए, इस्माइल भी आ जाएं, वहां सबसे सलाम दुआ भी कर लें, और इन्हें जो काम भी पसंद आए ये उसके माहिर की शागिर्दी इख्तियार कर सकते हैं। सुनने में तो सब आसान लग रहा है, लेकिन मैं सब करूंगा कैसे। हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करते अपने मरकज में, जो भी हुनर पसंद आ जाए। और फिर सिर्फ हुनरमंदी का काम थोड़ी होता है, यहाँ लिखना पढ़ना भी सिखाया जाता है। तो मैं दुकान भी जाऊंगा और पढ़ाई भी करूंगा उसी वक्त। एक तरफा नहीं हो सकती ये चीजें इस्माइल अफंदी, एक हाथ औजार पकड़ेगा दूसरा हाथ कलम, एक बाजू से भी कोई परिंदा उड़ता है। तुम कल सुबह मजलिस में आकर हुनरमंदों से मिल सकते हो, लोहारों के मोहतमम अय्यूबी दरगाह से आते हैं, तुम चाहो तो सुबह उन्हीं के साथ आ जाना। क्या है ये? एक गुंगे बहरे को तुमने पढ़ना लिखना सिखा दिया, कमाल की बात है। कैसे कर सकते हो तुम, अपने ही बाप के खिलाफ एक मुहाफिज को गद्दारी के लिए इस्तेमाल किया तुमने, यहां से निकल जाओ।
चंपा हो दो यहाँ से। बहुत खूब यूनुस, तुम्हारी वजह से अदल हो सका, तुम्हारी वजह से मुजरिम बेनकाब हुए यूनुस अफंदी। शेख मोहतरम कहते हैं कि इंसाफ सिर्फ मुजरिम की तलाश का नाम नहीं है, बल्कि मासूमों का रखवाला और बेगुनाहों का जामिन है। जाहिदा खातून बेगुनाह साबित हो चुकी हैं। हवेली आ सकती है वो, कल सुबह होते ही उसे ले आना तुम। और मुहाफिज जलाल के बारे में क्या हुक्म है? खैर करने वालों के लिए खैर, शर करने वालों के लिए शर। गद्दारों के लिए हमारी हवेली में कोई जगह नहीं है यूनुस। शेख मोहतरम, इल्लाहु, जानते हैं तुम्हें किसकी तलाश है, मगर यहां कहीं मिल नहीं रहे इस्माइल अफंदी। वो जहां भी छुपा होगा खुद बाहर आ जाएगा। वो थोड़ा उदास है। खैर होगी इंशाल्लाह। लगता है वो यहां बेजार हो रहा है। मकतब जाने का वक्त है ये तो, उसे हुनर सीखने की जरूरत है और लिखना पढ़ना भी है। हाँ, नौजवान दिमाग रहनुमाई चाहता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ शेख मोहतरम, कोताही हमारी ही है। लगता है हमारा ऐसा सोचना इस्माइल अफंदी को पसंद नहीं आया। वो भाग गए और काम के पहले दिन ही कहीं छुप गए। वो बाहर आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। शेख मोहतरम, हकीकत वाजे हो चुकी है, जाहिदा खातून बेगुनाह है। सरदार ने उन्हें वापस हवेली लौटाने को कहा है। हाँ, सूरज जरूर तुलू होगा मेरी यूनुस। जाओ ये खबर दे आओ खानम अम्मा को। शाम बखैर हो। आपकी भी शाम बखैर हो। सच सामने आ चुका है, जायदा खातून सुबह होते ही हवेली लौट सकती हैं। अल्लाह आपको जजाए खैर दे यूनुस अफंदी, नहीं जानते आपने कितना बड़ा एहसान किया है। अल्लाह हमें हर शर से महफूज रखे। आमीन। मैंने कहा था ना तुमसे, यूनुस अफंदी ने मसले का हल निकाल लिया, उन्होंने सब ठीक कर दिया है। जाहिदा, ठीक कर दिया? सच कह रही हो तुम? बिल्कुल सच। सुबह होते ही सरदार हवेली में जाहिदा खातून के मुंतजर होंगे ये बताने आए थे। हाँ।
इंसान भी अजीब ही है, गम में भी रोता है और खुशी में भी। बिल्कुल भी नहीं रो रही, तुम्हें गलत लग रहा है। बिल्कुल गलत नहीं लग रहा मुझे, अपनी आंखें देखो, रो रो कर सूज गई हैं। ऐसे इल्जाम पर तो किसी का भी हाल बुरा हो सकता है। लेकिन मैंने कहा था ना कि यूनुस अफंदी इस मसले का हल जरूर निकालेंगे। बिल्कुल कहा था। इस्माइल जान नहीं है क्या? नहीं है शेख मोहतरम। हमने उन्हें काम पर जाने को कहा और वो हमसे खफा हो गए। खफा नहीं होगा, जैसे ही नींद आएगी वो आ जाएगा शेख मोहतरम। मैं वाकिफ हूं उसकी आदत से। मैं कोई बात करना चाहता था, मगर मेरी अकल में तो कोई बात आ ही नहीं रही है। क्यों ना आज कासिम अफंदी को दर्श देने का मौका दिया जाए और आप सब इन्हें सुने। अस्तग़फिरुल्लाह शेख, हम कौन होते हैं? हम तो खुद अपने बारे में नहीं जानते कासिम अफंदी। हमारे पीर भाई हरगिज ना सोचें कि हम में कोई काबिलियत है, और अगर कुछ है भी तो वो शेख की मेहरबानी से है। अब क्योंकि हमें इस मसनत पर बैठने का मौका मिल गया है तो हम कुछ हस्बे हाल बात करते हैं आज। पीर भाइयों, हक ताला की तरफ से नाजिल की गई आयात इंसानियत की बेहतरी के लिए हैं। गोया इनका मकसद ही हमें अच्छा इंसान बनाना है। अच्छा होना क्या है? नफ्स के ताबे होना तो यकीनन नहीं हो सकता। क्या फरमाते हैं हमारे शेख? नफ्स सात मुंह वाला अजदा है, इसकी इसलाह ना की जाए तो जहन इसे तस्लीम करके उसके पीछे भागने लगता है और एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह होता ही जाता है। अल्लाह की मदद हो तो जब आप इस दलदल में डूब जाते हैं, कोई ना कोई आपका हाथ थाम कर इस दलदल से खींच ही लेता है। तो फिर हमें आखिर क्या करना चाहिए पीर भाइयों, सभी मोमिनों सभी दरवेशों को? नफ्स की इस्लाह की जरूरत है। कहते तो बिल्कुल ठीक हो कासिम आगा, मगर हम ये सब कैसे करें? जिद्दोजहद से। जान लीजिए कि नफ्स एक नाकाबले भरोसा फरेब है, हमेशा इसके कहने के खिलाफ अमल करके इसकी इसलाह कीजिए। हां, इसे यूं समझ लीजिए, आप खेती बाड़ी के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं। आप पहले घास फूस कांटे गंदगी बाहर निकाल कर उसकी इस्लाह करते हैं। बिल्कुल इसी तरह नफ्स जो सात मुंह वाला अज़दहा है, एक एक करके उन्हें कुचलने की जरूरत है ताकि आप पशिमान ना हो। जैसा कि हमने शेख मोहतरम से सीखा है,
मसले को बेहतर तौर पर समझाने के लिए एक हिकायत सुनाता हूं। अगरचे वो शख्स कौन था ये मुझे याद नहीं आ रहा, मगर ख्वाजा नसरुद्दीन कह दिया जाए तो मुबालगा नहीं होगा। वो एक दिन किसी काम से बाजार जा रहे थे तो अपने साथ अपना गधा लेकर भी बाजार चल दिए, और वो भी हमारे नालेहान के बाजार जैसा ही था। गर्मी का मौसम था और वो प्यासे थे, सूरज बिल्कुल सर पर था, तो उन्होंने सराय जाने का सोचा। वो अपना गधा लेकर सराय जा पहुंचे। क्या मुझे एक गिलास ठंडी लस्सी मिल सकती है, उन्होंने पूछा। भटियारे ने देखा कि ख्वाजा थके और भूखे प्यासे, वो बोला, ख्वाजा बैठ जाइए, मैं आपके लिए मेज लगाता हूं, पहले कुछ खा लीजिए। हम गधे को पहले ही खिला चुके हैं, ये कहा उन्होंने। भटियारा ख्वाजा का ये नुक्ता समझ ना सका, और भला समझता भी कैसे वो आखिर। कहने लगा कि मैं गधे के लिए नहीं, मैं आपके लिए मेज लगाने का कह रहा था। ख्वाजा एक नजर भटियारे को देखकर बोले कि वो गधा नहीं, वो तो मेरा नफ्स है। सो ये बात है पीर भाइयों, अलहासिले कलाम लगाम हमारे हाथों में होनी चाहिए, गधे के पास नहीं। हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहां गधा चले, बल्कि हम जिस राह पर चलें उसी पर गधे को चलाएं। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की महफिल। हर किसी के पास अपने काम है, हमें वो नजरअंदाज हरगिज नहीं करनी चाहिए, हमें नज़्म व ज़ब्त कायम रखना चाहिए। चलिए फिर, हम सब के लिए बखैर हो आज की शाम इंशाअल्लाह। हमें तो लग रहा था कि तुम मदरसे से भागने की कोशिश कर रहे हो, मगर तुम तो हमसे भी पहले बेदार हो गए। ज़ायदा बच्चे अपना ख्याल रखना और अब आते जाते रहना। अब आप मुझसे मिलने के लिए आएंगे वहां पर अम्मा जान? दो दिनों बाद ही बग्घी भिजवा दूंगी मैं। बग्घी भिजवाने के बजाय खुद उसमें बैठना और यहाँ फिर से आ जाना। हमने तुम्हारे बाबा को इत्तला नहीं की कि तुम जा रही हो। अरे यूनस अफंदी भी आ गए। सुबह बखैर हो आप सबको। आपको भी सुबह बखैर यूनस अफंदी। हाँ? अरे बच्चे तुम्हें तो देर हो रही होगी। खैर से जाओ। चलो।
हमें जाना है। घोड़े तैयार करो। खुश आमदीद खानम, खुश आमदीद यूनुस अफंदी। शुक्रिया सरियागा। हुनरमंद यूनुस अफंदी। क्या किया है हुनरमंदों ने? खामोशी से धोखा न खाइए यूनुस अफंदी, ये फितने की खबर देती है। क्या आपने मसला जानने की कोशिश की? मसले नहीं, बहाने हैं उनके पास। ज्यादा महसूल का बहाना बनाकर हमारे सरदार के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं वो हुनरमंद। आमदनी के एक तिहाई महसूल देखकर बचता ही क्या है? दुकान का माल खरीदे या घर का खाना पीना करें सरियागा। हर माह एक नया महसूल लागू कर दिया जाता है। इंसाफ करें, इंसाफ। मर गए हम तो पूरा करते हैं। हमें उनकी नीयतों पर गुमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई और खबर मिली आपको? उनके मुशावरती इजलास की खबर मिली है, उसके नतीजे पर पहुंचने का इंतजार कर लेते हैं। खुदा मदद करे साथियों, इस्माइल अफंदी नहीं है क्या? नजर नहीं आए शेख मोहतरम, वो तो नाश्ते के लिए भी नहीं आए। अय्यूब अफंदी काम पर चले गए क्या? सुबह की नमाज के बाद चले गए थे। इसका मतलब यह है कि वो उनके साथ भी नहीं गया? वो उनके साथ नहीं था शेख मोहतरम। यूनुस अफंदी, अगर आपके पास वक्त हो तो कुछ बात करनी है आपसे। अंदर नहीं आएंगे? Thank you.
मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका, आप ही बताइए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है ना। मेरे रब, मेरी आंखों को आराम देखने से महफूज रख। ये चेहरा इससे बढ़कर कुछ हसीन होगा क्या? मेरे रब, मेरे दिल और दिमाग में बस तेरी ही चाहत है। तो मेरा न जाने क्या होता। कहाँ चला गया? खैर होगी इंशाल्लाह। किसी की तलाश में है क्या? इस्माइल को ढूंढ रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चला गया ये शरारती बच्चा? पता नहीं, हर जगह ढूंढ लिया है मैंने। क्या आपने अब तक मेरा कसूर माफ नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं है कासिम आगा। हमारे शेख मौजूद हैं क्या? बाबा भी नहीं है यहाँ। इस्माइल को ही ढूंढने गए हैं वो भी। उसे ना पाकर परेशान हो गए थे। एक एक करके इन्हें लिख लो। ओहो, इस्माइल आफंदी तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये शर्फ कैसे बख्शा हमें? एक जरूरी बात करनी थी, अगर वक्त हो आपके पास। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। आओ बैठो, क्या पसंद करोगे? कुछ भी नहीं। शेख मोहतरम जब आएंगे तो आपसे एक बात जरूर पूछेंगे कि इस्माइल को क्या काम दिया था।
आपने उनसे कहना है मुझे इस बच्चे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना तो इसे दर्जगाह भेजना है और ना ही काम पे, क्योंकि ये बच्चा सब कुछ जानता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ गए ना? अगर ऐसा ना कहा तो जानते भी हैं नतीजा क्या होगा। चलें बता देता हूँ, बाजार का सुकून बर्बाद होगा, ठेला उलट दूंगा हर किसी का, शिकायत का ढेर होगा, सोच लें। ठीक है हम समझ गए आपकी बात। जब आप यही चाहते हैं तो भला हम कैसे इसके खिलाफ जा सकते हैं। हम शेखे मोहतरम से ऐसा ही कहेंगे। ठीक है फिर मुझे इजाजत दीजिए। स्माइल अगर आप जा ही रहे हैं तो हमारा एक काम कर दें, मुझे एक आम अमानत भिजवानी है, क्या आप जाते हुए लोहार बैराम आगा को देते जाएंगे? भूलना नहीं है वही बताना है जो कहा है। कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें? वो बस तबीयत जरा नासाज थी इसलिए मेहमान खाने में बैठ गया। अगर तबीयत सही नहीं है तो तबीब को बुला ले सरिया का। अब मैं बेहतर हूं सरदार। खल्क खुदा जो कहती है दुरुस्त कहती है, हक खल्क के साथ है। अब अगर हम इस जमीन को अपना घर समझते हैं तो हमें इसके लिए फौज चाहिए, फौज के लिए खुराक चाहिए और इन सब के लिए हमें टैक्स भी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मैं कल से पहाड़ी पे आपकी आमद का मुंतजर था, ना कोई आया ना कोई गया। इस्माइल को ढूंढ रहा था, शायद वो यहां नहीं है। रुके, वो अंदर ही है, बुलाकर लाती हूं।